नमस्ते बच्चों, मैं मुन्नी कुमारी जीके जैन स्कूल की हिंदी अध्यापिका आज लेकर आई हूँ केजी और फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए वर्णमाला का पांचवा भाग। तो चलिए आज हम सीखते हैं वर्णमाला के पांचवें भाग में च वर्ग के वर्णों के नाम। ठीक है, तो इनसे बनने वाले वर्णों के नाम हम जानेंगे, इनसे बनने वाले शब्दों के नाम आज हम जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो वर्णों और चित्रों के नाम जानने से पहले मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँगी कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे स्कूल से संबंधित हर एजुकेशनल वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं च वर्ग के ओर और च वर्ण से बनने वाले सभी शब्दों के नाम। ठीक है, तो पहले इसे लिखना सीख लेते हैं बच्चों कि कैसे लिखा जाता है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ, बोलने के साथ, मौखिक परीक्षण के साथ साथ लिखना भी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए आज हम इसे सीखते हैं कि कैसे लिखते हैं, जैसे कि केजी से बच्चे लोग को हमेशा खेल विधि से ही सिखाया जाता है। तो चलिए हम लोग भी खेल खेल में सीखते हैं कि इसे कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा अक्षर है बच्चों च, हमारा पहला अक्षर है च। तो च कैसे लिखते हैं बच्चों, देखिए पहले च की हमने पहले एक चोंच बना दी, राइट, चोंच बनाई, फिर उसकी एक पेट बना दी, राइट, और उसके बाद एक पैर, ठीक है, ऊपर से शिरोरेखा च च। ठीक है, इसे आप स्लेट पर, नोट पर लिखने का प्रयास करिए बच्चों, ताकि आपको अच्छे से ये लिखना आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया च लेटर। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं लेटर छ की ओर। ठीक है, छ, अब देखिए छ कैसे लिखते हैं, गोल गोल घुमाया हमने ऊपर से नीचे की ओर, राइट, फिर इसे घुमाकर इसकी आंख बनाई, राइट, और एक पाई, ठीक है, और शिरोरेखा छ छ छ। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने अगले अक्षर ज की ओर। ठीक है, ज, तो ज कैसे लिखते हैं, नीचे से यू घुमाया, यू की तरह, अंग्रेजी का जो हम लोग यू लिखते हैं बच्चों, यू की तरह घुमाया, फिर सीधी रेखा और एक उसका पैर, ठीक है, ऊपर शिरोरेखा ज च छ ज। जब भी लिखा करिए बच्चों तो अक्षरों को बोल बोल कर लिखिए, ताकि आप जब भी लिखते हैं तभी उसी टाइम आपको उन अक्षरों के नाम अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बच्चों ज। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं झ लेटर की ओर। ठीक है, तो झ देखने में आपको हार्ड दिखेगा बच्चों, लेकिन ये बहुत ही ईजी है, हम लोगों ने आ आ ई में लिखा था ना ई, राइट, तो यही हमें लिखना है, राइट। तो देखिए एक सीधी रेखा, फिर इसे गोल घुमाया सांप की तरह, देखिए, ओके, देन सीधी रेखा और इसकी एक पैर बना देते हैं, ओके, ऊपर शिरोरेखा। हिंदी के अक्षरों में बच्चों ऊपर की शिरोरेखा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, तो इसे रखना मत भूलिए, ओके। तो ये हमारा हो गया बच्चों लेटर झ, लेटर झ। ठीक है, नेक्स्ट झ के बाद हमारा आता है न्या, न्या, तो यहाँ कैसे लिखते हैं, गोल का आधा गोला बनाया हमने, ठीक है, फिर उसकी एक पाई खींची और एक डंडी, ठीक है, न्या। ठीक है, च छ ज झ न्या। ठीक है, एक और बार बोलिए बच्चों, च छ ज झ न्या, ओके। अब बढ़ते हैं कि इन अक्षरों से कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं, चलिए तो सीखते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि पहले से ही मिस ने आपके लिए ड्राइंग बना कर रखा हुआ है, ठीक है, तो चलिए सीखते हैं। च से चम्मच, च से क्या हुआ बच्चों हमारा चम्मच, चम्मच आप देखे होंगे आपके रसोई घर में मिलता है ना, हम उसकी सहायता से रोज़ खाना खाते हैं या फिर कोई चीज़ निकालना होता है तो हम चम्मच का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो च से क्या हो गया बच्चों, च से चम्मच, जिसे कि अंग्रेजी में स्पून भी बोलते हैं, राइट, तो च से क्या हुआ बच्चों हमारा चम्मच। नेक्स्ट, च से चटाई, च से चटाई, चटाई यानी कि मैट, ओके, तमिल में पाई भी बोलते हैं, राइट। तो पहले जब घर में कोई आता जाता था या फिर घर में बिछाना बिछाने के लिए हम चटाई का इस्तेमाल करते थे, राइट, तो ये हमारा हो गया च से चटाई, च से चटाई। नेक्स्ट है च से चरखा, च से चरखा, चरखा पुराने ज़माने में बच्चों धागा बनाने के लिए यूज़ किया जाता था, आजकल तो बहुत सारे मशीन्स आ गए हैं
लेकिन पुराने ज़माने में चरखा से ही हम धागे बनाया करते थे। ठीक है, तो च से क्या हो गया बच्चों हमारा, च से चरखा। अगला वर्ड है हमारा च से चरण, च से चरण यानी कि पैर। ठीक है, च से चरण यानी कि पैर। ओके बच्चों, तो पैर जिसे हम बोलते हैं ना, बड़ों का पैर छूते हैं, चरण स्पर्श, राइट, तो चरण हो गया हमारा। ठीक है, तो च से हम लोगों ने अब तक क्या सीखा बच्चों, च से चम्मच, च से चम्मच, च से चटाई, च से चटाई, फिर च से चरखा, च से चरखा, और अंत में हमारा आता है च से चरण। ठीक है, च से चरण। इसके अलावा और कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं च से, यदि सोचा जाए तो च से चकोर हो गया, च से चांद हो गया, च से चोंच हो गया, राइट। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हमने च से बनते हैं, च से चटनी होता है, राइट। तो जैसे जैसे आप हिंदी का अध्ययन करेंगे वैसे वैसे बहुत सारे शब्द आपको च छ बहुत सारे वर्ण के शब्द आपको मिलेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेटर छ की तरफ। ठीक है, छ महाप्राण वर्ण है बच्चों, छ यहाँ से बोलिए छ छ। ठीक है, तो छ से क्या हुआ बच्चों हमारा, छ से छतरी, छ से छतरी। छतरी आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी बारिश बरसती है तो हम अक्सर छतरी का इस्तेमाल करते हैं, या फिर बहुत धूप निकलता है तब पर भी हम छतरी का इस्तेमाल करते हैं, ना। और छतरी बहुत सारे रंगों में भी होता है, स्पेशली ब्लैक कलर में दिखाई देता है ना। तो छ से हमारा क्या हो गया बच्चों, छ से छतरी। ठीक है, नेक्स्ट है छ से छड़ी, छ से छड़ी। छड़ी बच्चों आप लोगों ने देखा होगा, यदि हमारे घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं जो चलने में असमर्थ रहते हैं तो अक्सर छड़ी का इस्तेमाल करते हैं, राइट, जो जिससे उनको सपोर्ट मिलता है ना, तो उसे हम छड़ी बोलते हैं, राइट, छ से छड़ी। ओके, नेक्स्ट है हमारा छ से छलनी, छ से छलनी। छलनी का इस्तेमाल कब होता है बच्चों, जब किसी चीज़ को हमें छानना रहता है तब हम छलनी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पानी छानना रहता है, चाय छानना रहता है ना, जूस को छानना पड़ता है, तो हम छलनी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है छ से छत्रक, छ से छत्रक। ओके, तो ये थे हमारे छ से बनने वाले कुछ शब्द। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं, तो छ से छिलका हो गया, ठीक है, छ से छींक हो गया, ये सभी छ से बनने वाले कुछ शब्द। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेटर ज की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट लेटर ज है हमारा, जो कि जे साउंड है। इसके पहले हम देख लेते हैं कि छ से हम लोगों ने अब तक क्या क्या सीखा है। तो छ से हम लोगों ने सीखा, छ से छतरी यानी कि अम्ब्रेला, छ से छतरी, छ से छड़ी स्टिक, छ से छड़ी यानी कि स्टिक होता है, छ से छलनी, छ से छलनी, और छ से छत्रक। ठीक है, छ से छत्रक। नेक्स्ट है हमारा ज, लेटर ज, ज से जग, ज से जग। जग अक्सर इस्तेमाल होता है बच्चों हम लोग को पानी अधिक मात्रा में रखने के लिए, ताकि जब हमें ज़रूरत पड़े तब हम ग्लास में डालकर पी सकें। ठीक है, तो सभी के घर में उपलब्ध होता है ज से जग। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है ज से जहाज, ज से जहाज, जहाज यानी कि शिप होता है। ठीक है, ज से जहाज यानी कि शिप, ये एक समुद्री मार्ग का यातायात साधन है। ठीक है, इससे इसकी सहायता से बहुत सारे सामान आयात और निर्यात किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ज से जल, ज से जल, जल यानी कि पानी बच्चों, जल यानी कि पानी, पानी का ही दूसरा नाम जल है। ठीक है, तो हम जो पानी पीते हैं उसे जल अक्सर कहा जाता है। ओके, तो जल हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, जल ही जीवन है कहा जाता है ना, तो ज से हमारा क्या हो गया बच्चों, ज से जल। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ज से जड़, ज से जड़। जड़ यानी कि बच्चों धरती के नीचे जो पौधे का भाग होता है उसे हम जड़ बोलते हैं, इंग्लिश में रूट बोलते हैं, है ना। तो जब भी आप किसी पौधे को धरती से निकालते हैं या फिर जब उसे धरती पर रोपते हैं, लगाते हैं, तो आप अक्सर देखते हैं कि उसमें जड़ होते हैं, है ना। तो जड़ की सहायता से ही धरती से जो भी खनिज लवण है वो अवशोषित कर अपने पौधे को बढ़ाता है, पत्तों को खाना देता है ना। तो ये हो गया हमारा ज से जड़। तो पौधे का सबसे प्रमुख भाग हमारा जड़ होता है। ठीक है,
तो क्या हो गया, ज से जट। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं कि ज से हम लोगों ने अब तक क्या क्या सीखा बच्चों। जैसे जब, जैसे जब, जैसे जहाज, जैसे जहाज, जैसे जल यानी कि वाटर, ठीक है, जैसे जल और फिर जैसे जड़, ठीक है, जैसे जड़। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेटर झ की तरफ, झ, ठीक है, ये ज है और ये झ है, ठीक है। तो झ से क्या होता है बच्चों, झ से झरना, झ से झरना, ठीक है। तो झरना किसको बोलते हैं, जब पर्वतों से पानी गिरती रहती है तो उसे हम झरना बोलते हैं, वाटरफॉल्स उसे भी अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है। तो झरझर झरझर कर जो झरना बहती है उसे हम झरना बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है झ से झरोखा, झ से झरोखा यानी कि खिड़की, झ से झरोखा अर्थात खिड़की यानी कि विंडो, ठीक है, विंडो जो अक्सर घरों में रहता है ताकि सूर्य का प्रकाश आ सके, हवा बाहर आ जा सके, है ना, घर में अच्छा वातावरण रहे, हवादार रहे रूम, तो अक्सर घरों में हम झरोखा का भी प्रयोग करते हैं, है ना। नेक्स्ट झ से हमारा आता है झंडा, झ से झंडा, झंडा यानी कि फ्लैग, ठीक है, झंडा यानी कि फ्लैग। सो अलग अलग देश के अलग अलग झंडे होते हैं, राइट, या यहाँ तक कि राजनीतिक दलों के अलग अलग झंडे होते हैं, है ना। तो झ से क्या हो गया बच्चों हमारा, झ से झंडा। और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ट्रेन मार्ग से जाते समय हमारे रेलवे के जो गार्ड्स हैं अक्सर लाल झंडे दिखाते हैं, हरी झंडे दिखाते हैं, है ना। तो लाल झंडे का अर्थ होता है कि रुक जाए और हरी झंडे का मतलब होता है कि वे आगे जा सकते हैं, ना, तो ये भी झंडा ही होता है। तो झ से हमारा क्या हो गया बच्चों, झ से झंडा, ओके। नेक्स्ट है झ से झोंपड़ी, झ से झोपड़ी, झोपड़ी यानी कि कुटिया भी बोलते हैं, जो छोटा सा झोपड़ी होता है, घास फूस के बने रहते हैं, उसे हम अक्सर झोपड़ी बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट में हमारा न्या, ठीक है, तो न्या से कोई शब्द नहीं बनता है बच्चों। तो चलिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि झ से हम लोगों ने क्या क्या सीखा। तो झ से झरना, झ से झरना, फिर झ से झरोखा, झ से झरोखा, झ से झंडा, झ से झंडा, झ से झोंपड़ी, झ से झोंपड़ी। और कौन कौन से वर्ड आते हैं बच्चों झ से, झ से जैसे हो गया झड़ना हो गया, जैसे पेड़ के पत्ते गिरते हैं तो इसे हम झड़ना बोलते हैं, बाल यदि बहुत अधिक मात्रा में गिरते तो बाल झड़ना बोलते हैं, है ना। फिर झ से झाड़ू हो गया, जो अक्सर आपके घरों में उपलब्ध होते हैं, मम्मी घर साफ करने के लिए यूज़ करती है ना, तो झ से झाड़ू हो गया, झ से झगड़ा हो गया, है ना। तो बहुत सारे वर्ड्स आते हैं जो हमें झ से बनते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे ट से लेकर या तक के से बनने वाले कुछ शब्दों के नाम, होप आपको समझ में आया होगा। घर में बैठ कर पढ़िए बच्चों, लिखा कीजिए और बार बार बोलने का अभ्यास कीजिए ताकि आपकी बोली स्पष्ट हो सके, ठीक है। तो मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।